गुजरात में तो बहुत टाइप का गाय मिलते हैं, तो इसके अंदर आप गिर के क्यों चुना? अभी जो रफ कंडीशन है वो ये बैर कर सकता है। अच्छा, इनमें रोग जो है बहुत कम है, मतलब। हाँ, तो अभी कितना लीटर दूध हो रहा है? सुबह 15 से 16 लीटर होता है और शाम को 15 से 16 लीटर होता है। गुजरात का मेन शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद में पूरा टाउन के अंदर ही है एक गौशाला। गौशाला इसका इधर का जो लोग है उसका गाय के ऊपर इतना प्यार है, आज ये आपको दिखाएंगे, ताकि शहर के अंदर भी वो फार्मिंग करते हैं, गौशाला बनाते हैं। ये बहुत आम बात नहीं होता है, रेयर चीज़ है। जो दो रेस्टोरेंट का ओनर है तो उसके साथ आज मिलेंगे और उसका फार्म आपको विजिट कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इतना अच्छा गाय दिखाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कौन सा कलेक्शन रखते हैं और कितना अच्छे से वो मैनेज करते हैं। चलिए मेरे साथ भवेश भाई। नमस्कार। नमस्ते। तो मैं अहमदाबाद आया है वेस्ट बंगाल से एक बहुत अच्छा फार्म देखने के लिए, और आप बहुत दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा नाम भावेश राज पुरोहित है। ओके। और मेरे दो रेस्टोरेंट है, एक ब्लैक बगीरा कैफे है और ट्विस्टेड रूट्स है, वो भोपाल में है। ओके। और मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है बाय प्रोफेशन, और फिर उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में मास्टर किया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा बिजनेस कर रहा हूँ अभी, आउटडोर केटरिंग का बिजनेस है। अच्छा। पर जब भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं सभी टाइम अपने गायों के लिए अलॉट करता हूँ। अच्छा, तो आप होटल मैनेजमेंट से आप होटल स्टार्ट किया, दो रेस्टोरेंट है, उसके साथ गाय का संबंध कैसे हो गया? तो जैसे प्योरिटी नहीं है मिल्क में, तो हमने ये सोचा कि हमारे घर के खुद के अगर गाय रहे तो वो अच्छा दूध देंगे, तो उससे क्या अच्छा विचार भी आता है, अच्छा ग्रोथ होगा, तो बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। तो इसीलिए हमने दो गाय और दो बछड़ों से चालू किया। अच्छा। 2018 में। ओके। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट समझिए कि 25 काउज और बछड़ों का हर्ड है। अच्छा, 25 25। ओके। तो आपके पास अभी किस टाइप का गाय है? तो गाय में हमारे पास केवल गिर गाय है। अच्छा। हाँ, तो गिर में हमारे पास जो गिर लाइन्स है, मतलब जो आपको जूनागढ़ के फॉरेस्ट में मिलेगा, हाँ, वो लाइंस भी है, और हमारे पास भावनगर लाइंस भी है। तो अच्छा, उसी को हम जो है वो जैसे नस्ल का सुधार करते हैं हम काउज में, तो उसी तरह हम जो है नए काउज को कौन सा अच्छा बुल रहेगा उनके लिए, वैसे पूरा हम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जो आने वाले काउज रहे उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो आप जो फार्मिंग कर रहे हैं कहाँ पे है, फार्म कहाँ पे है आपका? ये फार्म मेरा 16 भागवत पे लोकेटेड है। अच्छा। 16 भागवत पे पानी का जो टंकी है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में। अच्छा जी। मतलब ये आपका जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है उसके बगल में आप ये फार्म बना लिया? जी जी, जी। अच्छा जी। ताकि रेस्टोरेंट आप रेस्टोरेंट में जब काम करेंगे फ्री टाइम में ये देख पाएगा, ऐसा कुछ सोच के? तो वैसा सोच के किया, और हमारा जितना स्टाफ भी है दोनों रेस्टोरेंट में वो भी हमारा यही काउ का मिल्क से उनका चाय बनता है। अच्छा, ऐसा। तो अभी कितना लीटर दूध हो रहा है फार्म में टोटल? तो फार्म हमारा सुबह 15 से 16 लीटर होता है और शाम को 15 से 16 लीटर होता है। अभी अच्छा। जैसे 6-7 काओ का साइकिल रहता है, तो 6-7 काओ एनी टाइम रहता है हमारे पास। अच्छा। जो मिल्किंग रहता है। ओके। तो ये है आपका फार्म? जी। अच्छा, वाह, अरे बाप रे, बहुत अच्छा अच्छा गाय है। ये फीमेल है ना सामने जो है? जी, उसका नाम गंगा है। गंगा। अच्छा, नाम से बुलाते हैं सब गाय का? जी, बहुत लोग, बहुत सारों का नाम रखा हुआ है हमने। अच्छा, जो बचपन से यहीं बड़ा हुआ है। अच्छा, नाम से वो पहचानते हैं आप, उसका नाम बुलाएगा? हाँ। तो गंगा, आप गंगा, चल चलो, नाम से बिल्कुल पहचानते हैं ना। अच्छा। उनको प्यार करते हैं हम, रोज पैम्पर करते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल ही वो नाम भी जानते हैं। वो दूध दे रहे हैं अभी? नहीं, वो अभी हीफर है। हीफर है, अच्छा, हीफर अच्छा, है अच्छा, अभी। अच्छा। तो अभी लगभग 1.5 साल की। गुजरात में तो बहुत टाइप का गाय मिलते हैं, तो इसके अंदर आप गिर के क्यों चुना? तो जैसे क्या है कि गिर अहमदाबाद के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये कितना भी जो रफ कंडीशन है वो ये बेयर कर सकता है। अच्छा। जैसे अगर 45 डिग्रीज हीट है या 47 डिग्रीज भी हीट है तो ये आराम से, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। इनमें रोग जो है बहुत कम है, मतलब okay. जो जो डिसीजेज होता है वो बहुत ही कम है।
अच्छा ऐसा जी। तो मस्ती कर रहे हैं आप। एक गिर ब्रीड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। गिर ब्रीड में कैसा है, जैसे ये हम्प है, इनका हम्प देखते हैं, ठीक है, और ये इनका बैक है, ये पूरा ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, ये देखते हैं, ठीक है। उनका अडर पैटर्न जो है वो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब आगे पीछे वैसा देखते हैं, ठीक है। और जो इसका हेड है वो पूरा ऐसा जितना उल्टा मटका जैसा होगा, अच्छा, वो उतना बेस्ट है उसका ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छा, ठीक है। जब ऐसे अभी ये देखो तो उसका जहाँ से हॉर्न है वहीं से उसका आईज रहता है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। और वो उसका कान जो है वो उधर से ही हॉर्न से निकल के लास्ट में जो है मैच हो जाना चाहिए नीचे, अच्छा, नीचे जी। तो वो सब ये क्या है कि गिर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छा अच्छा। वो देखने से आपको खरीदने से पहले वो सब चीजें नोट करना चाहिए, अच्छा। और एक बात है, ये कैसा टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं? तो आइडली कैसा है, 35 डिग्री से 45 डिग्री तक इनके लिए आइडल टेम्परेचर है, अच्छा जी। ये बहुत ठंडा प्रदेश के लिए नहीं है, ओके, ऐसा बहुत कोल्ड वाला वेदर इनके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा। जिधर ज्यादा बारिश होते है, हाँ, या मौसम गीला गीला है, हाँ, उस जगह में ये रह सकते हैं। तो जितना इनको ड्राई मिलेगा उतना अच्छा है इनके लिए, अच्छा। जहाँ ह्यूमिडिटी या वैसा आएगा तो हाँ, पॉसिबल है कि वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता है, ओके, ऐसा। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में मैं देखा है एक फार्मर है जो कुछ गिर खरीद के फार्मिंग करना स्टार्ट किए थे, बट उतना अच्छा सर्वाइव नहीं हो पा रहे, वो फार्म से बहुत तकलीफ आ रहे, वो बीमार पड़ जा रहे हैं ज्यादा, इसका कारण क्या है? तो कैसा है कि बीमारी तो उनको आइडली नहीं होता है, बट ये होता है कि जैसे अगर टाइम का 10 लीटर का दूध है तो वो कम होके 6 लीटर का हो जाएगा, तो अच्छा, आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, ओके। अगर गाय आपकी मिल्किंग के लिए आप ले रहे हैं तो उसका दूध जो प्रति लीटर है एक टाइम का वो कम हो जाता है, अच्छा जी। तो अभी इसको खाने के अंदर आप क्या क्या खिला रहे हैं? तो जैसे हम ड्राई और ग्रीन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देते हैं, अच्छा। और दोनों टाइम हम इनको ग्राई ग्रास भी देते हैं और जो है सूखा भी देते हैं, अच्छा अच्छा है। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है, ड्राई के अंदर और सूखा ये इसके अंदर? तो अकॉर्डिंग टू सीजन रहता है, जब राइस अवेलेबल रहता है तो राइस का रहता है, जब ज्वार रहता है तो ज्वार का पूड़ा रहता है, ऐसा रहता है, मूंगफली का चारा भी रहता है ऐसा। और ग्रीन में हम नेपर बोलते हैं जिसको, तो वो हमारे पीछे यहाँ पे ही उगता है, नेपियर जिसको कहते हैं, हाँ, जो नेपियर रहता है वो नेपियर देते हैं, ओके ओके। और कुछ कुछ फार्म ऐसे भी हो दाना खिलाते हैं, आप भी खिलाते हैं इसमें? तो हम जैसे मूंगफली मूंगफली बोलते हैं जिसको, अच्छा, उसका दाना देते हैं हम, अच्छा, ऐसा। तो बाकी किसी के लिए हम अलग डाइट फॉलो नहीं करते, अच्छा, सभी काउस के लिए सेम डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा। तो आपको कंडीशन देखने मिलेगा, सभी एक जैसे लगेंगे आपको, कोई बहुत दुबला है बहुत मोटा है वैसा आपको नहीं मिलेगा, अच्छा। प्रेगनेंसी के टाइम कोई अलग ट्रीटमेंट करना चाहिए या? तो प्रेगनेंसी के लिए क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हमने 12x12 का ये अलग से उसको बनाया है, अच्छा, अच्छा, के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे क्या, इनिशियल जो 10 डेज रहते हैं तो हम उसको बच्चे के साथ यहाँ पे रखते हैं, अच्छा। और तभी उसको जो है ड्राई ग्रास जो है हमारा वो उसको फीड करते हैं, ग्रीन हम तब अवॉइड करते हैं, अच्छा, काउस को, ओके। तो जो प्रेग्नेंट काउस होती है उनके लिए ऐसा, अच्छा। बहुत फार्म ऐसा है जिसमें कंक्रीट ढलाई के ऊपर गाय रखते हैं, बट मैं इधर देख रहा हूँ आप मिट्टी के ऊपर ही रख रहे हैं, इसके लिए इसका कोई रीजन है? तो जब ऐसा रहता है कि जब आप मिनिमम सोर्सेस से जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मिट्टी सबसे बेस्ट है, क्योंकि अच्छा। भगवान ने वैसा ही उनको वैसा ही आप एटमोसफियर दिए कि जिसमें वो पहले से पले बढ़े, अच्छा। तो माटी जो है वो नेचुरल उनके लिए बेड है, उनके लिए अगर आप काउ बेड लाते हैं तो उसका फिर उस हिसाब से क्लीनिंग आपको मेंटेन करना है डेली, उसके पीछे जो है दो पर्सन आपको अलॉटेड उसके लिए रखने पड़ेंगे, अच्छा। तो जो माटी है उसके लिए आपको कुछ नहीं है, जस्ट वो क्लीनलीनेस और हाइजीन उसको मेंटेन रखे, बाकी और गाय आपसे कुछ वो ज्यादा मांगती नहीं है, अच्छा जी। अच्छा, बहुत फार्मर के ये क्वेश्चन रहते हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं, मुझको 20 लीटर 22 लीटर वाला गाय लेना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है? सो कैसा है कि
कोई कोई ब्लड लाइन ऐसे है हाँ। जैसे आप जसदन ब्लड लाइन में देख लेंगे या कोई भावनगर लाइन्स के भी ऐसे, जैसे पुराने कोई काउस थे जैसे कि पूनम है, तो उसका 32 लीटर्स जो है वो दिन का उसका दूध रहता था, तो वैसे रहते थे। बट दैट इज 1 in 1000 काउस, नॉट एवरी काउ कैन गिव दैट मच मिल्क। और दूसरा क्या है कि आइडियली मेरे हिसाब से 7-8 लीटर रहना चाहिए, तो उससे क्या है कि काउ का हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अच्छा। और आपका पर्पस भी फुलफिल होता है। जैसे ही 10 से 12 लीटर दूध गाय का होता है तो उसका उसी हिसाब से उसका वजन वगैरह भी कम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर जो गाय मैं देख रहा हूँ अभी, इसमें 25 गाय है जी, तो इसके अंदर आपका फेवरेट गाय कौन सा है? तो मेरा फेवरेट अगर आप देखें तो हाँ। जो हमारा फर्स्ट जो काउ था हाँ। तो ये है वो फर्स्ट काउ हमारा। अच्छा। तो इसको हम डॉन बोलते हैं। अच्छा। तो ये जब ही लाया तब से हाँ। इसको 3 थन ही थे। अच्छा, 3 थन। 3 थन ही थे। एक खराब था। हाँ, एक खराब था, तभी भी हमने ये लिया, इसको हमारा फर्स्ट काउ बनाया। अच्छा। और इससे हमें जो जो बच्चे मिले वो बहुत ही अच्छे, मतलब आप उनके पास जाओगे, उनको प्यार करोगे तो डरते नहीं है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे नस्ल में हमने ये देखा है कि बच्चे डरते हैं बहुत, तो इसका ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वेलकमिंग है। अच्छा। और कोई बाहर का आएगा या घर का आएगा तो वेलकम बहुत अच्छे से करता है। अच्छा। तो ये हमारा फर्स्ट काउ है और वही हमारा सबसे फेवरेट है। ओके। एक डेयरी फार्म में बुल का रोल कितना जरूर कितना होता है? तो जो भी रोल है वो सारा बुल का ही होता है। अच्छा। मेजोरिटी रोल जो है वो बुल का होता है। अगर आपका काउ 60 या 70% ऑफ द गिर है तो उसको 100% जो है वो बुल ही बना सकता है। अच्छा। ऐसा, पर बंगाल में कोई फार्मर एक भी बुल नहीं रखते, सब वो गाय ही रखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल है, गलत है। हाँ। तो कैसा है कि आप जैसे वी ह्यूमंस वी नीड नेचुरल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स शुड ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस्ड इन अ नेचुरल वे। Okay. जो उनका नेचर से जैसे रिश्ता है उनको वैसा ही करो। अच्छा। जब आपको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो आप सीमन है या एम्ब्रियो है या कोई भी और टेक्नोलॉजी है उसको यूज कीजिए। अच्छा। और जब तक आप उनको नेचुरल ब्रीडिंग दे सकते हैं वो काउस के लिए सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, आप आपका बूल एक बार दिखाएंगे? जी। भैरव भैरव आओ 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 भैरव आओ। अच्छा, ये बूल है आपका फार्म में? जी। ओके। अच्छा, एक ब्रीडिंग फार्म में कैसा बुल होना चाहिए? तो आइडियली जो भी गुजरात में जितने भी बुल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भावनगर लाइंस जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसा है, तो भावनगर लाइंस जो प्रदीप सिंह बापू ने जो भी मेहनत किया है गिर पे, ही हैज गिवन ऑलमोस्ट हिज होल लाइफ, तो वो एक रिसर्च के साथ उन्होंने काम किया है। तो बापू का एक बुल है राज करके। अच्छा। तो ये राज का बेटा है। अच्छा अच्छा, आपके पास जो है? जी, उसका नाम भैरव है। हाँ। और जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे से उसका स्ट्रेट बैक है, राइट, जो बैक उसका है स्ट्रेट है। नीचे जो उसके टेस्टिकल्स है जैसे एक कोकोनट शेल होता है उसके जैसा होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट है। तो जो जो ये प्रोड्यूस करेगा जैसे, तो उसमें जो काउस का आर्डर है वो एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा। अच्छा। राइट, तो उससे क्या होगा कि जो थन का प्रॉब्लम आता है राइट, वो नहीं आएगा काउ में। अच्छा। तो जितना काउ ज्यादा दूध देगी उतना लोग उसको ज्यादा साल के लिए जो है रख पाएंगे। ऐसा, तो एक कॉम्पैक्ट आर्डर अभी का रिक्वायरमेंट भी है। ऐसा है। अच्छा, ये मेल से ही उसका आर्डर का डिजाइन होते हैं? जी, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जी जी जी। Okay. वो जैसा आपका नंदी रहेगा हाँ। उसके ऊपर जो है वो पूरा आपका संवर्धन है या जो भी आप एक एक्सटिंक्ट जो भी है एनिमल्स उसका आप जो है प्रिजर्वेशन कर पाएंगे। ओके ओके जी। आपके पास जो गाय है अभी हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी वाला गाय कौन सा तो है? हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी वाला जो मेरे पास अभी काउ है वो टाइम का 8 से 9 लीटर देती है। एक टाइम का? एक टाइम का। अच्छा, मतलब 9 मतलब 16-18 लीटर के आसपास चले जाते हैं। जी 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 जी। ओके। और सबसे लो क्वालिटी जो है
लो मिल जो जाने वाला। सबसे लोएस्ट है वो इसलिए क्योंकि वो जब बचपन में उसका माँ जो था वो गुजर गया था। अच्छा। तो उसको हमने बोल से ही फीड किया है तो वो उसके लिए वीक है और उसी लिए जो है उसका लैक्टेशन जो है वो फर्स्ट लैक्टेशन में अभी कम है तो सेकंड लैक्टेशन में वो भी बढ़ जाएगा और बढ़ के 4-5 लीटर तक हो सकता है। ओके ओके। तो आपका सोच क्या है ये लेके कितना बढ़ाना है वा कैसे ले जाना है? जो मुझे हर्ड है वो 25 से 30 का ही रखना है, उससे अच्छा। बढ़ाना नहीं है और जितना रखूं उतना बेस्ट रखूं। अच्छा हाँ। अच्छा, ऐसा ही सोच है? ऐसा ही सोच है। ओके। अच्छा, आपका गाय देखे तो बहुत अच्छा लगा जी। तो कोई छोटा ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो नया फार्मर सोच रहे फार्मिंग के लिए? ऐसा कुछ जो भी नया फार्मर ले रहा है काओ तो उनका उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट काउ मत लीजिए, आप हीफर से स्टार्ट कीजिए। अच्छा। तो जैसे काउ हीफर स्टेज से अगर आपके पास सेट होगा तो वो आप आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो खुद को सेट कर पाएगी। अच्छा, अच्छा। जब आप काउ लेते हो तो काफी बार क्या होता है वो काउ सेट होने में 1-2 साल लगा देती है। तो फिर क्या होता है आप जज कर लेते हैं काउ को कि आपका मोटो जो है वो होगा या नहीं होगा या ये कैसी नस्ल है, वो आपको सवाल जवाब में आप खुद उलझ जाते हैं। जब आप अच्छी हीफर लेंगे, अच्छे लाइन से लेंगे तो वो पहले से ही जो है वो अच्छे से रेडी हो पाएगा। सोच के हिसाब से वो आपका मैच हो जाएगा। ओके जी, बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दिए है सर ने। तो कोई गाय फार्मिंग करना चाहते हैं, सही नॉलेज होना चाहिए, सही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ताकि आप जिस टाइम फार्मिंग करने के लिए सोच रहे उस टाइम ही नहीं होगा, 2-3 साल आपको उसके पीछे देना पड़ेगा अच्छे से जी, उसके बाद ही आपका फार्म सेट हो सकता है। ठीक ठाक नॉलेज लेके फार्म कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर ऐसा कोई नया वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते, बाद में हमारे साथ जुड़े रहिए। जो चैनल में नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नया नया वीडियो देखते रहिए। बाय।